हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ और एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, फ्रॉम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, चार प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और इन चारों प्लेट्स पे जो चार्ज है वो है -3 माइक्रोकूलम, -1, 2 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। सर्फेसिस आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन सर्फेसिस ऑफ ईच प्लेट। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सर्फेस है, ये सेकेंड सर्फेस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ और एट्थ। तो 8 सर्फेसिस जो हैं इनके ऊपर हमें फाइंड करना है कितना चार्ज है हर एक सर्फेस पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ आप लोगों के पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, मैं दो प्लेट्स ले लेता हूँ। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, फिर हम लोग चार प्लेट में इसको यूज़ करेंगे। और मैं आप लोगों को जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, एकदम ईजी ट्रिक है। आप लोग जो है विद इन 30 to 40 सेकेंड्स जो क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसका आप लोग आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ये जो पहली प्लेट है इस पर चार्ज लेते हैं टोटल चार्जेस Q1, सेकेंड प्लेट पर टोटल चार्जेस Q2। दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और हमें पूछा गया है कि जो सर्फेसेस हैं 1, 2, 3 और 4 इन पे चार्जेस क्या हैं। तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये चार्जेस? तो देखो, सपोज़ जो ये फर्स्ट सर्फेस है इस पे चार्ज है कैपिटल Q, तो जो सेकंड सरफेस होगा उस पर बट ऑब्वियस चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल Q1 चार्ज है, यहाँ पे है Q, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो Q1 में से Q को माइनस कर दो। टोटल चार्ज ऑन द प्लेट इज Q1, तो अगर एक सरफेस पे Q है तो दूसरे पे कितना होगा, तो टोटल में से माइनस कर दिया। अब ध्यान देना, जो सेकंड सरफेस पे चार्ज है Q1 माइनस Q, तो थर्ड पे कितना होगा। तो देखो, अगर हमें पता है कि किसी भी प्लेट पे सपोज़ इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके बाजू में अगर हम लोग कोई दूसरी प्लेट लाएंगे तो वो वहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करती है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर सेकंड वाले सरफेस पे चार्ज है Q1 माइनस Q, तो थर्ड वाले सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव ऑफ Q1 माइनस Q। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको Q माइनस Q1 भी लिख सकते हो। और थर्ड सरफेस पे चार्ज मिलने के बाद हम लोग फोर्थ सरफेस पे चार्ज फाइंड करेंगे, तो टोटल Q2 में से हम ये वैल्यू को माइनस कर देंगे और ये जो वैल्यू है दैट इज़ Q माइनस Q1। तो ये जो भी आंसर होगा वो हमारा फोर्थ सरफेस पे होगा, पर हमें Q की वैल्यू कितनी है वो अभी हमें पता नहीं है। जैसे ही हमें Q की वैल्यू पता चलेगी तो हमें चारों सरफेसेस का आंसर मिल जाएगा कि वॉट इज़ द चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसिस, वो हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो प्लेट्स हैं वो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और हमें पता है या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ 1 और 2 सरफेस के बीच में, ये पॉइंट है सपोज़ P। तो एज P पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शुड बी 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग एप्सिलॉन समझोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शुड बी 0। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करनी है। हमें पता है कि किसी भी शीट की वजह से इफ़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसका डायरेक्शन जो है वो प्लेट से बाहर की तरफ होता है। अगर सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, तो मैं चाहूँ तो सिग्मा को लिख सकता हूँ दिस इज चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अभी, वेर क्यू इज़ द चार्ज, और चारों सर्फेसिस पे जो चार्ज है वो हमें पता कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0। तो पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये 1 वाला चार्ज है, 1 सरफेस पे जो चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, अगर मैं ये फर्स्ट वाले को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी इस डायरेक्शन में. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द फर्स्ट सरफेस. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सरफेस क्योंकि राइट साइड में है तो पी पॉइंट पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगी. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2+3+4. मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर ये फर्स्ट वाली प्लेट है तो उसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट में, और जो बाकी प्लेट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो ये फार्मूला जो है हमें अभी यूज़ करना है, मैं रख देता हूँ. दिस इज़ Q बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग यूज़ करेंगे. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज़ ज़ीरो, विच एम्प्लाइज ई वन. इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मैंने ई वन को पॉजिटिव लिया है. माइनस ई टू माइनस ई थ्री माइनस ई फोर इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वैल्यू रखेंगे. ईवन की वैल्यू क्योंकि चार्ज है क्यू, तो ईवन की वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्मूला के अनुसार ही हो जाएगा क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट. फिर माइनस ई टू, चार्ज इज क्यू वन माइनस क्यू, तो चार्ज हम लोग लिखेंगे क्यू वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अगेन टू ए एप्सिलॉन नॉट. फिर थर्ड सरफेस पे जो चार्ज है वो है q माइनस क्यू वन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज माइनस q माइनस क्यू वन अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट. और लास्ट वाले सरफेस पे चार्ज इतना है तो हम लोग वो भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस q टू माइनस क्यू प्लस क्यू वन होल डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट. ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और हमें पता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, तो हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. अब देखो ये टर्म और ये टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म हमारा पूरा कैंसिल होने वाला है. ठीक है, दिस इज़ माइनस क्यू वन और ये माइनस माइनस प्लस क्यू वन हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये दोनों टर्म्स जो है 100% कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी दो टर्म्स को हम लोग लिख देते हैं तो हमें मिलेगा दिस इज टू ए एप्सिलॉन नॉट एलसीएम हो गया, और q माइनस माइनस q इज टू क्यू, फिर यहाँ पे माइनस q टू और फिर माइनस q वन, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. और यहाँ से हमें मिलेगा q इज q वन प्लस q टू बाई टू. तो जो चार सर्फेसिस थे उसमें से हमें फर्स्ट सरफेस पे चार्ज मिल गया है, दैट इज़ क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू मिल गई. अब मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग करेंगे. तो देखो चार्जेस हमें फाइंड करने, हम लोग ऑलरेडी जो है क्यू की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू, तो ये मिल गया. अब हमें सेकंड सरफेस पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस. सेकंड सरफेस की बात करेंगे, सेकंड सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज़ क्यू वन माइनस क्यू, और यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू रखूँगा तो मुझे मिलेगा दिस इज क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन टू. सॉल्व करने पे हमें मिलेगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. ठीक है, अब हम लोग थर्ड सरफेस की बात करेंगे. हमें ये पता है कि जो थर्ड सरफेस पे चार्ज होगा इससे जस्ट उल्टा होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा दिस इज़ Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, इसका ही नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ सरफेस है इस पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल चार्ज इज़ Q2 और थर्ड सरफेस पे इतना है, तो Q2 में से मैं इसको माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा. और आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आंसर आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ. आंसर इज़ Q1 प्लस Q2 बाय 2. ठीक है, तो ये आप लोग आंसर है. चारों प्लेट्स पे किस तरीके से चार्ज हमें मिलते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है. अब मैं आप लोगों को जो है शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है फाइंड करेंगे यही आंसर
विद इन 30 सेकेंड्स। और ये 30 सेकेंड्स भी आप लोगों को कब लगेंगे, जब आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या उससे भी ज़्यादा जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोज़ हमारे पास दो प्लेट्स हैं और यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे चार्ज है हमारे पास 6 माइक्रो कूलम और यहाँ पे सपोज से 2 माइक्रो कूलम, और हमें बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसिस दैट इज़ 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान देना। हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट वाला सरफेस है और जो फोर्थ वाला सरफेस है उस पर चार्ज होगा, दोनों चार्जेस को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2। तो हम लोग जो है 6 + 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज़ 4 माइक्रो कूलम। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ज है फर्स्ट सरफेस पे दैट इज़ 4 माइक्रो कूलम, और जो फोर्थ वाले सरफेस पे वहाँ पे भी चार्ज इज़ 4 माइक्रो कूलम। 6 में से 4 अगर यहाँ पे, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे होगा 2 माइक्रो कूलम। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे 2 है तो इस सरफेस पे उतना ही नेगेटिव होगा, दैट इज़ -2 माइक्रो कूलम। और आप देख सकते हो +4 -2 इज़ टोटल 2 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से चारों सरफेस पे हमारा आंसर आ जाता है विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन और फिर जो हमारा आज का क्वेश्चन था हम लोग वो लेंगे। तो यहाँ पे इस बार मैं 3 प्लेट्स लेता हूँ, और 3 प्लेट में हम लोग क्या करेंगे वो भी बता रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज द चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट इज क्यू, टोटल चार्ज इज क्यू, और यहाँ पे हम लोग लेंगे -Q, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2Q। तो ये हमारे पास 3 चार्जेस हैं जो कि हमने तीनों प्लेट्स पे ले लिया, और वही क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द सर्फेसिस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे हम लोग, वो मैंने आप लोगों को डिटेल मेथड सिर्फ कैसे आता है फॉर्मूला वो बताया था। सब चार्जेस को ऐड करेंगे और इस बार डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 3 से डिवाइड करने मत जाना, हमेशा आप लोगों को 2 से ही डिवाइड करना है। तो सम ऑफ ऑल द चार्जेस इज q + -q + 2q होल डिवाइड बाई 2, एंड द आंसर इज q। तो हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट वाला सरफेस है उस पर q होगा, और जो लास्ट वाला सरफेस है उस पर भी q होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब सबको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हो तो फर्स्ट और लास्ट वाले सरफेस पे हमें चार्ज मिल जाता है। ठीक है, अब टोटल चार्ज क्यू है और फर्स्ट सरफेस पे भी चार्ज क्यू है, तो इस साइड कितना हुआ, 0, क्योंकि इन दोनों का एडिशन शुड बी इक्वल टू द टोटल चार्ज। यहाँ 0 है तो यहाँ -0 को हम लोग फिर से 0 ही लेते हैं, और यहाँ पे -Q इज़ द टोटल चार्ज, तो इस प्लेट पे -Q होना चाहिए। इस प्लेट पे -Q तो इससे जस्ट ऑपोजिट दैट इज़ +Q यहाँ पे होगा, और +Q टोटल इज़ 2Q। तो हमारा इस तरीके से जो है आंसर आ जाता है। ठीक है, और अब हम लोग जो है फिर से चलते हैं जो आज क्वेश्चन ऑफ द डे था उस पर। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करो और आप लोग 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, सारे चार्जेस को ऐड करेंगे, -3 + -1 + 2 + -1 होल डिवाइडेड बाय 2 करना है, 4 मत करना बच्चों, होल डिवाइड बाय क्या करना है, 2। अब इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा दिस इज -1.5। तो -1.5 माइक्रो कूलम जो है वो फर्स्ट वाली सरफेस और लास्ट वाली सरफेस पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज -1.5 माइक्रो कूलम, और इधर साइड भी होगा -1.5 माइक्रो कूलम। अब -3 में से -1.5 इधर है, तो यहाँ पे भी होगा -1.5। ठीक है, यहाँ पे -1.5 है तो इधर साइड होगा +1.5। टोटल इज -1, इधर साइड अगर प्लस है टोटल इज दिस, तो यहाँ पे होना चाहिए -2.5, तभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। यहाँ पे -2.5 है तो इधर होगा +2.5। टोटल हमारा 2 है तो यहाँ पे होना चाहिए -0.5, ताकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और -0.5 यहाँ पर है तो हमें यहाँ पे मिलेगा +0.5। ओके,
और यहाँ पे ये सारे के सारे माइक्रो कलम में है, वो मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों पे छोड़ दिया है ताकि जो है ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है ये क्वेश्चंस एकदम इजी छोटी सी ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।